संचार और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पूर्वांचल को कई सौगातें दी। इसमें सबसे ज्यादा अपने संसदीय क्षेत्र पर खजाना लुटाया। वाराणसी में दरभंगा वाया गाजीपुर नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। मऊ जंक्शन पर कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण किया। गाजीपुर स्टेशन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनोज सिन्हा ने वाराणसी सिटी से ट्रेन को रवाना किया और मऊ के कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण किया। मनोज सिन्हा ने गाजीपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ जंक्शन स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस दौरान घोसी लोकसभा में भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर भी स्टेशन पर मौजूद रहे। लोकार्पण होते ही यहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसे जिले के विकास में अहम भूमिका होना बताया गया है। आपको बता दें कि कोचिंग टर्मिनल के लिए धन को आवंटित कर दिया गया था, लेकिन कार्य धीमी गति से होने के नाते निर्माण कार्य पर प्रश्न उठने लगे थे, लेकिन सांसद की लगातार पहल के बाद इस कार्य में तेजी आई है। सदियों से यह मऊ जंक्शन जो है पिछड़ा हुआ था। यहाँ कोई अच्छी रेलगाड़ियाँ नहीं चल पाती थी, इसलिए कि यहाँ टर्मिनल नहीं था और वार्षिक पेट धुलाई के लिए नहीं था। आज मऊ टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। यहाँ वार्षिक पेट आज से चालू हो गई। अब जो भी गाड़ियाँ आएंगी यहीं से धुली जाएंगी और लंबे रूट के लिए यहीं से गाड़ियाँ जाएंगी। और अब उम्मीद यह बढ़ गया कि यहाँ से गाड़ियाँ चेन्नई जाएंगी, यहाँ से गाड़ियाँ कलकत्ता जाएंगी, यहाँ से गाड़ियाँ बम्बई जाएंगी, यहाँ से गाड़ियाँ दिल्ली जाएंगी। यानी लॉन्ग रूटों के लिए गाड़ियाँ अब यहाँ से मिलेंगी सरकार द्वारा और यहाँ से लॉन्ग रूट के लिए गाड़ियाँ जाएंगी। यह व्यवसायिक केंद्र है, हथकरघा व्यवसाय है, यहाँ उसके लिए बल मिलेगा। यहाँ के व्यापारियों को समय से गाड़ियाँ मिलेंगी, व्यापार में वृद्धि होगा और मऊ जिले का विकास होगा। मऊ जंक्शन टर्मिनल हो जाने की वजह से तो आज से मऊ को माननीय ये रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी द्वारा आज जनता को यह टर्मिनल सपोर्ट कर दिया गया। आज से टर्मिनल की सेवाएं शुरू। 30 करोड़ की थी, अभी तो मंत्री जी ने बोला है, आपने सुना है, यह परियोजनाएं 30 करोड़।